और किसानों की मांग जायज मांग है। अभी फसल खड़ी है और मुंह तक आ गई है और मुंह से नवेला भी छीन जाएगा तो किसानों के लिए इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं होगी। इसलिए एस सी साहब से बात हुई, क्लर्क साहब से हुई, एक्सएन साहब आए, यहाँ के जो एन साहब है वो एन साहब ने निवेदन किया कि आगे से हमको बिजली कम मिल रही है। कम मिलने का कारण भी बताया कि भाई वो जो नया जो जीएसएस बना है वो शुरू नहीं हुआ। तो हमने सरकार से निवेदन किया है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा पूर्व विधायक जी नारायण सिंह जी देवल का कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही जीएसएस शुरू करने के लिए स्टाफ लगाने की मांग की है और वो जिसे शुरू हो जाता है दांतवाड़ा तो बड़गांव, रानीवाड़ा, मालवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में काफी हमको राहत मिलेगी और हमें किसानों की समस्या को देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं कि इस भयंकर गर्मी में जो फसल नष्ट हो रही है, बाजरे का हो, मूंगफली का हो, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान सहन होगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि किसानों की समस्या का शीघ्र निवारण करें। सरकार में आप धरना दे रहे थे तो राज बदल गया, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। राज बदले कोई टाइम नहीं हुआ है, ये आपका जो प्रश्न सही है, राज अभी बदला है, बदलते ही आशा संहिता लग गई। तो कुछ सरकार की अपनी बाध्यता है, उस बाध्यता का कारण ये बाध्यता आई है, उसका शीघ्र समाधान होगा।